नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। केकेआर ने अपनी 4 रिटेंशन प्लेयर लिस्ट सामने जारी कर दी है। यहाँ पे जिस तरीके से सभी टीमें अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर रही हैं, तो केकेआर ने भी यहाँ अपने जारी कर दी है। वो 4 प्लेयर कौन से, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पे पहले हैं यहाँ पे आंद रसेल, जिन्हें यहाँ पे रिटेन किया गया है केकेआर की ओर से। यहाँ पे 12 करोड़ रुपये में आंद रसेल को रिटेन किया गया है। वरुण चक्रवर्ती को 8 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया है। वेंकटेश अय्यर को यहाँ पे 8 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया है। सुनील नरेन को यहाँ पे 6 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया। तो वो 4 प्लेयर आपके सामने रख दिए, आंध्र रसेल, वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर, सुनील नरेन। ये 4 प्लेयर कोलकाता की ओर से यहाँ पे रिटेन किए गए हैं। यहाँ पे कैप्टन कौन होगा केकेआर का, अभी तक यहाँ पे सामने नहीं आया है। ना इन्होंने इयॉन मॉर्गन को यहाँ पे वापस रिटेन किया है, ना सुमन गिल को, ना नीतीश राणा को, न राहुल त्रिपाठी को, न लॉकी फर्गसन को। साकिब अल हसन भी यहाँ पे लिस्ट में नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा भी नहीं है। हरभजन सिंह भी नहीं है। ऐसे स्टार बल्लेबाजों और गेंदबाजों को यहाँ पे केकेआर ने छोड़ा है। आंद्रे रसेल को रिटेन करा है, वरुण चक्रवर्ती को रिटेन करा है, वेंकटेश अय्यर को रिटेन करा है, सुनील नरेन को यहाँ पे रिटेन करा है। तो अब देखना हो किस तरीके से अब केकेआर की कैप्टनसी कौन करेगा। ये सारे प्लेयर जो रिटेन किए गए हैं, ये सारे यहाँ पे कह सकते हैं अब एक तरीके से अब केकेआर की ओर से खेलेंगे अगले 3 साल के लिए। आंद्रे रसेल 12 करोड़ रुपए में है, वरुण चक्रवर्ती 8 करोड़ है, वेंकटेश 8 और सुनील नरेन 6 करोड़ रुपए। और जो रिलीज किए गए प्लेयर हैं, उन सब अब मेगा ऑक्शन में जा चुके हैं। जनवरी के पहले हाफ में मेगा ऑक्शन होगा, तो वहां से पता लगेगा केकेआर की ओर से कैप्टन कौन होगा और किन किन प्लेयरों को केकेआर ने यहाँ पे अपने साथ जोड़ा है।